आप जिस नेता को आगे कर रहे हैं भाजपा उसको अपने पाले में कर ले रही है। अगर दिल्ली में जाते हैं नीतीश कुमार तो वो सांसद दिल्ली छोड़ देते हैं। साफ दिख गया कि एनडीए भारी पड़े। लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई कैसी करनी होनी चाहिए उसका ज्ञान सिखा रहे ललन सिंह। तौर पर नीतीश कुमार बैगेज है जिसको तेजस्वी ढो रहे हैं, साफ दिख रहा है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये गेम बड़ा है। पर्दे के पीछे की कहानी बताएंगे और जदयू में महाभगदड़ की तैयारी है। कौन कौन से नेता भागने वाले हैं, कुशवाहा के बाद कौन बड़ा नेता है जो जनता दल यूनाइटेड छोड़ने वाला है, चर्चा लगातार है। आप भी जानते होंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे। उपेंद्र कुशवाहा तो चलेगा, उनकी महत्वाकांक्षा ज़्यादा थी लोगों का कहना है। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा के पद के हिसाब से पद मिला नहीं था, लेकिन अब कौन भाग रहा है? देखिए, आप अच्छे से जानते हैं कि नीतीश कुमार के कई सांसदों पर तलवार लटकी हुई है। ये तलवार इसलिए लटकी हुई है क्योंकि नीतीश कुमार जो पिछली बार चुनाव लड़े थे लोकसभा का, तो वो गठबंधन में थे नरेंद्र मोदी के। और आप अच्छे से जानते हैं कि पोलराइजेशन करने में उस साल बहुत सफल रही थी भाजपा, और उसकी वजह से बिहार में क्लीन स्वीप हुआ था। राजद इतना बढ़िया प्रदर्शन लोकसभा में जदयू कभी भी आज तक नहीं कर पाई है, और उसे दोबारा पुनरावृत्ति कर पाएगी ऐसा लगता नहीं है जी। एक तरफ जहां भाजपा से अलग हो गए नीतीश कुमार, वहीं प्रथम ग्रास से मक्षिकाम पात्रम, दो उपचुनाव हुए, दिख गया, साफ दिख गया कि एनडीए भारी पड़ रही। मैं लहर नहीं कहूंगा, लोकसभा में हम लहर की बात कर सकते हैं, देखा जाएगा तब। फिलहाल लेकिन इतना स्पष्ट है कि भारी पड़ रही है भाजपा रणनीतियों को जमीन पर उतारने में जी। लेकिन महागठबंधन सात दलों का गठबंधन होकर भी अपने वोट बैंक को जमीन पर नहीं उतार पा रहा है। आप अच्छे से जानते हैं कि कल ललन सिंह ने जो बयान दिया, उपेंद्र कुशवाहा के माध्यम से ही बयान देने चले थे क्योंकि उनको सिक्योरिटी मिली तो मैंने उस पर कैसे रिएक्शन करेंगे, लेकिन ये उनका स्तर नहीं था जी। मामला कुछ और था। हमने आपको कल भी बोला था कि मामला लग रहा कुछ और है, और उसका गुस्सा कहाँ से आया ललन सिंह का, उनका ये आप जान लीजिए। दरअसल उनका गुस्सा उपेंद्र कुशवाहा पर था ही नहीं, मतलब हार गए हैं उस पर था, हार गए उस पर था, नागालैंड में जो हुआ उस पर था, और उससे भी बड़ा गुस्सा उनका ये है कि उनके सांसदों की एक बड़ी टोली भाजपा के संपर्क में है और उन उस टोली की बोली बदल गई है। ललन सिंह की बातें नहीं मान रहा है लोग, ललन सिंह की क्या, नीतीश कुमार की बात नहीं मान रहे हैं। नीतीश कुमार से फोन पर कई सांसदों की बात तक नहीं होती है। अब इसी से अंदाजा लगा ले, दिल्ली में जाते हैं नीतीश कुमार तो वो सांसद दिल्ली छोड़ देते हैं, नॉट अवेलेबल बताता है, कहीं और, इनकम्युनिकेट हो, अनरीचेबल। क्यों? निश्चित तौर पर उन सांसदों ने अपने आगे की भविष्य और राजनीति को लेकर संशय मन में जो है उसको लेकर फैसला कर लिया है, और उस फैसले के आसपास भी नीतीश कुमार नहीं भटकते हैं जी। आप अगर 2024 के पीएम कैंडिडेट होते तो आपके पीछे सांसद घूम सकते थे, लेकिन आप तो कहीं है ही नहीं ना। 3 महीने 13 में आपने इतनी बड़ी लड़ाई लड़ने की तैयारी कर रखी थी, और उस लड़ाई को लड़ने की तैयारी के खांचे में अब तक आपने रंग भरना शुरू नहीं किया है। आप बिहार में ही हैं, आप राजद से लड़ रहे हैं बिहार में 40 में, आप एमएलसी चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, आप लोकसभा चुनाव की तैयारियां नहीं कर रहे हैं, जो चुनाव अब साल भर भी नहीं बचा है जी। तो ये कहीं ना कहीं उन सांसदों को बेचैन कर देता है। देखिए, कायदे से तो जदयू के विधायक भी परेशान होंगे जी, क्योंकि सीटों का समीकरण बनता नजर नहीं आ रहा है, और जिस तरीके से जदयू ने आज सीट बांट लिया एमएलसी का, आपको लगता है कि राजद के विधायकों में बेचैनी नहीं मच गई होगी? खलबली मचा हुआ होगा, राजद खोल रही होगी अंदर से। एक तरफ सीबीआई ईडी परेशान किए हुए, दूसरी तरफ नीतीश कुमार दबा रहे हैं, चल क्या रहा है? तीसरी तरफ तेजस्वी को कुर्सी नहीं मिल रहा है, कुर्सी तो मिलना ही नहीं है, सौदा ही नहीं हुआ। तो ललन सिंह ने कह दिया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थोड़े बनाते हो, तो जनता बनाती है। नहीं, बात सही है। कहीं ना कहीं संभावना जो थोड़ी बहुत थी भी उसको भी समाप्त कर दिया। जब जनता से ही मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को बनना है, पीठ पर बैताल लेके घूमने की जरूरत क्या है? मैं कह रहा हूँ, जब आपको तपस्या से ही कुछ मिलना है तो भूत प्रेत काहे पूजिएगा, तपस्या कीजिए। और निश्चित तौर पर नीतीश कुमार बैगेज हैं जिसको तेजस्वी ढो रहे हैं, साफ दिख रहा है। और ऐसी स्थिति में अगर तेजस्वी यादव पर सारे आरोप लग रहे हैं जो कुछ हो रहा है बिहार में, तो अब तो आँख खुल जानी चाहिए ना जी। और अगर खुल भी जाए तो फायदा क्या, ऑप्शन क्या है? क्या भाजपा के साथ जाइएगा? वो काम तो नीतीश कुमार करते हैं, आप नहीं करते हैं, वहां भी आपका संभावना समाप्त है। और इससे जो बेचैनी की स्थिति है वो जदयू में उत्पन्न हो रही है जी। और जो राज्यसभा के सभापति हैं जदयू के, हरिवंश जी,
वो उनकी और कहीं ना कहीं ललन सिंह की, ललन सिंह मैं बात कर रहा हूँ, दोनों की एक वर्चुअल लड़ाई हो गई है, बन नहीं रही है। कोल्ड वॉर महाराज, जैसे आपने आरसीपी और ललन के बीच में देखा था, आपने उपेंद्र कुशवाहा और ललन सिंह में देखा था, अब तीसरा बड़ा नेता हरिवंश का नंबर आ गया है, वो खुद से शहीद होने के लिए तैयार है, वो खुद से अपना पद छोड़ने के लिए तैयार है। सुनने में आ रहा है कि इस्तीफा देंगे, इस्तीफा देने जा रहे हैं, अगला नंबर उन्हीं का है और लिस्ट फाइनल हो चुकी है। वो इस्तीफा देकर अपने आप को इस लफड़े से जदयू के अलग करना चाहते हैं। उनको लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई कैसी करनी होनी चाहिए उसका ज्ञान सिखा रहे ललन सिंह, जैसे विजय सिन्हा को सिखा रहे नीतीश कुमार, वैसे ही उनको ललन सिंह सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी का एक प्रकरण था जिसमें राहुल गांधी ने विदेश में जाकर बोल दिया था कि हमारा माइक बंद कर दिया था विपक्ष का कभी कभी, इस पर उन्होंने राहुल गांधी को नैतिकता का पाठ पढ़ाया था हरमंश जी ने कि मेरे आज तक के कार्यकाल में ऐसा कभी नहीं हुआ है और ऐसा कभी होता ही नहीं है, ये लोकतंत्र के आधार के खिलाफ है, ये हो ही नहीं सकता है, कोई सभापति नहीं कर सकता ऐसा। और जब इस पर वो हमला करते हैं राहुल गांधी पर, तो जानते हैं राहुल गांधी डिफेंड करने को आता है ललन सिंह और अपने ही नेता को मैंने पाठ पढ़ा रहे हैं। मतलब आप क्या लगता है, देखिए केसी त्यागी बेचैन है ही। अपने आप जानते हैं बिहार के सदन के अंदर भाजपा और ये जो हुआ भाजपा नीतीश के बीच नोकझोंक, वो सेम वहाँ कर लिया उन्होंने, लेकिन अपने ही पार्टी में हो गया, अपने पार्टी में ही कर लिया। यहाँ भी तो गठबंधन था, तो एक तरह से कहा जाएगा कि अपने ही में कर लिया। और ये भाजपा का बड़प्पन है कि मेजोरिटी होते हुए भी आपको उस पद पर अभी तक बिठा के रखी है। यही तो बड़प्पन नहीं है, यही तो गेम है जो समझ गए ललन सिंह। ललन सिंह यही कर करके छाट रहे हैं लोगों को नीतीश कुमार के आसपास, ये चाहते हैं कि सबको समाप्त कर दे अशोक की तरह। वो अशोक नहीं, अशोक भाई, वो अशोक अशोक नहीं, यो अशोक के नंबर आएगा और सबको खत्म कर दें और ऐसी परिस्थिति बना दें कि कोई और उत्तराधिकारी बचे ही नहीं। आप अच्छे जानते हैं कि हरिवंश भी इनसे बड़े नेता है, ललन सिंह से उनका कद भी बड़ा है, केसी त्यागी का कद बड़ा है। इन लोगों का चर्चा क्या नहीं हो पाया हुआ है, क्या केसी त्यागी का चर्चा नहीं हुआ कि वो भी जा सकते हैं भाजपा के साथ? उपेंद्र कुशवाहा की बात भी खबर आ रही थी कि उपेंद्र कुशवाहा भी जाएंगे, चले गए। अब हरिवंश को भाजपा ने वहां रख लिया है, हरिवंश से भाजपा की बातचीत हो रही है, नीतीश कुमार का प्लान बी में हरिवंश थे, कहीं ना कहीं ललन सिंह। मैंने आपको आपको याद होगा कहा था कल ही कि जदयू में दो गुट हैं, लड़ाई नहीं है लेकिन मंत्र भिन्नता है। ललन सिंह चाहते हैं कि नीतीश अब राजद के साथी रहे और तेजस्वी को मुख्यमंत्री बना के कुछ लोग कुर्सी दे दे हमको, चले हमको उप मुख्यमंत्री बना दे, और कुछ लोग चाहते हैं कि भाजपा के साथ जाए और तेजस्वी के साथ चैप्टर क्लोज करें, हो गया जो होना था, भाजपा अपनी गलती माने, नीतीश अपनी गलती माने जी, और इसको फिर से किया जाए, क्योंकि एक एक करके भाजपा कमजोर कर रही है आपको जी। आप जिस नेता को आगे कर रहे हैं भाजपा उसको अपने पाले में कर ले रही है, तो इससे क्या साबित हो रहा है कि भाजपा की रणनीतियों का हिस्सा कोई भी हो सकता है जदयू में जी। हरिवंश पर भाजपा दाव खेल रही है कि नहीं खेल रही है, लेकिन जदयू में तो डर बैठा हुआ है ना, बैठा हुआ है, और इसी कारण से कहीं ना कहीं अगला नंबर हरिवंश का आ रहा है। वो भी ये बात समझ गए हैं कि जैसे उपेंद्र कुशवाहा गए हैं, आरसीपी जैसे गए हैं, शीशा लेदर होगा, इससे बढ़िया कि खुद ही अपना ई लीला समाप्त कर लिया जाए। ई लीला क्या होता है मुकेश जी से पूछ लीजिएगा जी। तो कहीं ना कहीं बिहार में राष्ट्रीय जनता दल, जनता दल यूनाइटेड के गठबंधन के बाद उसी गठबंधन के अंदर, उसी दल के अंदर परिस्थितियाँ बदली हैं, और महत्वपूर्ण बात यह है कि हरिवंश सिंह किसी भी वक्त इस्तीफा दे सकते हैं, जिसकी चर्चा अब शुरू हो गई है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ ये एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी, तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।